माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 13.3, इसके अंदर एक वृत्तीय बेलन है लंबा 12 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर वाली ऊंचाई वाला है, जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। उस आइसक्रीम को आपको निकालना है और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकुओं यानी कोणों में भरना है, जिसका ऊपर का जो गोला है सिरा जो है वो अर्धगोलाकार है। आपको शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। देखिए यहां पर इसका पूरा आंसर आपको लिखित में दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए। पहले आप इस गोलाकार जो है 12 सेंटीमीटर व्यास वाला और 15 सेंटीमीटर ऊंचा गोलाकार, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, इसका वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। टोटल जो वॉल्यूम इसका आएगा, ठीक है, कितना आ रहा है, 540 पाई। और फिर आप शंकु है जिसकी साइज ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, और इसकी जो व्यास है वो उसका जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी आपको वॉल्यूम ज्ञात करनी है। तो टोटल वॉल्यूम जो 540 पाई आया है, इसका वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 54 पाई। 540 से 54 का भाग दे देंगे, यू विल डिवाइड 540 बाई 54, तो जो आंसर आएगा वो 10 आएगा, यानी 10 शंकु भरे जा सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है, इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो इस शंकु से 10 गुना ज्यादा है। ये इसका उत्तर है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी जो है यहां पर ये पूरा आंसर आप दिया हुआ है, आप यहां को आराम से इसको पढ़िए, पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके समझ में आए, और समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट है तो आप वीडियो देखना जारी रखिए, हम इसका पूरा सॉल्यूशन आपको यहां पर दे रहे हैं। देखिए पहले आपको सिलेंडर का ज्ञात करना है, और सिलेंडर का जो ज्ञात करने के लिए सिलेंडर का आयतन यानी वॉल्यूम ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब यहां पाई रख दीजिए फिलहाल, और आर इसका कितना है, देखिए इसका व्यास जो है वो है दिया हुआ है इसके अंदर कि 12 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, आर मतलब रेडियस, तो 12 का आधा 6 हो गया, तो रेडियस हो गया 6 का स्क्वायर यानी 6 गुना 6, और हाइट कितनी है इसकी दी हुई है 15। हल कर लीजिए, 15 6 90 96 540, तो ये हो गया 540 पाई। ये तो इसका आयतन एक पार्ट हो गया। अब इसका आयतन ज्ञात कर लीजिए, देखिए इसमें दो भाग हैं, एक तो है इसमें शंकु यानी कोण जिसको बोलते हैं, एक इसमें अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, तो आपको दोनों को अलग अलग ज्ञात कर दिया, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। देखिए शंकु का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इसमें जोड़ दीजिए, ये जो आपका हेमिस्फीयर है अर्धगोलाकार है, इसका फॉर्मूला होता है 2/3, ठीक है, पाई आर क्यूब, ठीक है। देखिए शंकु में 1/3, अर्धगोलाकार में 2/3, और सिलेंडर में जो है पूरा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए आप जो है इसको हल कर लीजिए, ये पाई का तो आप पाई रख दीजिए अलग, इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई है, ठीक है, इसलिए पाई को तो हम इसमें छेड़ते नहीं है, इसको आप रखिए 1/3 इंटू आर स्क्वायर। अब इसका आर कितना है, देखिए इसका आर है ये यहां से यहां तक 6, तो इसका आधा होगा आर, ठीक है, डायमीटर का हाफ होता है आर यानी 3, और आर का स्क्वायर है तो फिर 3, और इसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, इसको 12 से गुणा कर दीजिए। ओके, और इधर 2/3, और ये आर को रन, इसको पाई को रन दीजिए, पाई कॉमन है हम लास्ट पे लगा देंगे, और आर यानी इसका आर भी कितना है, इसका भी 3 ही है, ठीक है, डायमीटर दोनों का एक ही है ना, ये बेस तो इधर ये कोना बनता है, ऊपर की तरफ अर्धगोलाकार बनता है, तो इसका जो डायमीटर है वो 6 है, तो इसलिए आ जाएगा 3 × 3 × 3 आर क्यूब है यहां पर। अब देखिए ये 3 से 3 काट दो, ये 3 से 3 काट दो, अब ये कितना बचा, 12 × 3 = 36 पाई, प्लस ये कितना बचा, 3 × 3 = 6 × 6 = 18, 36, तो ये हो गया 18 पाई, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 54 पाई।
ये एक शंकु का आयतन है, ठीक है, एक आइसक्रीम का आयतन है, शंकु नहीं, इसमें शंकु भी है और अर्धगोला भी है, दोनों को मिला के एक आइसक्रीम बनी है। एक आइसक्रीम में 54 सेंटीमीटर आइसक्रीम आ जाएगी और कुल आइसक्रीम कितनी आपके पास है, 540 सेंटीमीटर है, 540 सेंटीमीटर पाई है और ये 54 सेंटीमीटर पाई है, तो पाई तो दोनों में है, इसलिए आप इसके अंदर 54 पाई का भाग दे दो तो कितना आएगा, पाई से पाई कटेगा और ये बचेगा 10, तो 10 आइसक्रीम बनेगी। इसमें से जो टोटल आइसक्रीम है उसको अगर इस आकार में ढालेंगे तो 10 बनेगी। क्लियर? फिर भी आपको डाउट है तो जो हमने आपको शुरू में बताया था वो आंसर हम आपको यहां दोबारा से दे रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, अगर आपको डाउट है कुछ रह गया हो तो क्लियर हो जाएगा, हिंदी के बच्चे भी अपना भ्रम दूर कर सकते हैं, अब कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।